ईटीवी भारत के पत्रकार मोहम्मद रजाउल्लाह ने पत्रकारिता के साथ साथ बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का मोबाइल छीनकर भाग रहे दो युवकों को अपनी जान की बाजी लगाकर झोरी बाजार में धर दबोचा, एक फरार हुआ। वाकया SMS हॉस्पिटल के गेट नंबर 4 का है, जहां एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का रेडमी फ़ोन उसकी जेब से छीनकर भाग रहे थे। तभी वहां ईटीवी भारत संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह पहुंचे और बुजुर्ग को परेशान और रोते हुए देखकर चोरों के पीछे अपनी बाइक को दौड़ा दी। करीब आधा घंटे तक उनका पीछा करते हुए उन्होंने झोरी बाजार में उन्हें धर दबोचा। उसी समय माणा चौक थाना पुलिस वहां पहुंची और थाने ले गई, मगर मामला मोती डूंगरी थाने का था, इसलिए आरोपी युवक को वहां ले जाया गया। मोती डूंगरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित मुन्नालाल यादव ने बताया है कि फ़ोन उनकी बेटी ने उनके जन्मदिन के मौके पर बतौर तोहफे दिया। रोते हुए मुन्नालाल यादव ने पत्रकार रजाउल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मोती डूंगरी थाना SHO सुरेश पांचोली ने कहा कि मोबाइल छीनने वालों को पत्रकार रजाउल्लाह ने वक्त पर पकड़ लिया और उसे थाने लाया गया। ये एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय उन्होंने दिया। तो वहाँ एक दो व्यक्ति आए, एक मोटरसाइकिल पे स्टार्ट करके एक आया, बोला एक पेशेंट लेके चलना है अंदर से अपाइज। मैंने कहा कहाँ लेके चलना, बोला जल में। तो मैंने कहा ठीक है ले चलेंगे। बोला क्या लोगे, मैंने 100 रुपये, बोला 80 देंगे। मैंने ठीक है। इतनी देर मैंने मोबाइल जेब में रखा और चाबी लगाने लग गया। इतनी देर में उसने मेरा मोबाइल खींचा, पट मोटरसाइकिल से भाग लिया। इतने में भाग रहा था पैदल पैदल, पीछे से है ना आपके के कर्मचारी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। बोला अंकल क्या बात होगी, मैंने साहब मेरा मोबाइल ले गया। तो बोला आप घबराओ मत, बोला मैं जाता हूँ। तो वो दौड़ते हुए गए, उन्होंने काफ़ी उसका पीछा किया तो सांगानेरी गेट के अंदर घुस चुका था, रॉन्ग साइड भागा। उन्होंने पकड़ा उसे और एक उसमें से भाग गया, फिर उसको ले जाके माणा चौक थाने ले गए। उसके बाद में यहाँ लेके आए और बराबर मेरे साथ लगे हुए मेरे साथ। आपका नाम पुलिस का कैसा है आपके साथ? पुलिस साहब मेरे पूरी तरीके से मेरा साथ दे रही है। इंचार्ज साहब ने भी मुझे अंदर बुलाया था, पूछा उन्होंने, मैंने सारी बात बताई। इंचार्ज साहब बोले बोले तुरंत तफ्तीश दो और उनको पूरा साथ दे रही है। आपका नाम बता दीजिए। मुन्ना लाल यादव। 5 बजे SMS के सामने जो है 4 नंबर गेट पर 2 लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने एक ऑटो चालक जो है मुन्ना लाल यादव, उसको उन्होंने टैक्सी हायर करने के लिए उससे बात की और उनके पैसे की बातचीत हो ही रही थी, इसी बीच में एक लड़के ने उसका मोबाइल निकाल करके और वहाँ से लेकर के भाग गए। इसी बीच में जो हमारे जो पत्रकार हैं मोहम्मद रजाउल्लाह साहब, उन्होंने उनका पीछा किया और सांगानेर गेट पर जा करके उनको पकड़ लिया लोगों की सहायता से, और उसके बाद में वो थाने पर लाए हैं उनको और रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।